मोहसिन साहब, पहले तो ये बताइए, ये जो पीछे डोंकी किंग के पोस्टर्स हैं, ये क्या है सर? ये डोंकी किंग पे पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो रेलेवेंस ड्रॉ कर रहे हैं लोग। मैंने तो मूवी नहीं देखी, लेकिन एक एड मैंने देखा है जिसके बीच में वो डोंकी किंग एक आवाम को मुखातिब हो रहा है और अपनी जो वे ऑफ गवर्नेंस है वो एक्सप्लेन कर रहा है। पीछे इमरान खान साहब की आवाज़ चला रही है, बट आई डोंट नो कि उसमें क्या है, लेकिन लोग उसको डोंकी किंग से ही प्राइम मिनिस्टर को रिलेट कर रहे हैं। बट दैट इज़ समथिंग ऑन द बोर्ड्स यू कैन सी। अरे मौसम, ये बताइए कि अब ये एहतजाज यहाँ पे चल रहा है, ऑब्वियसली शहबाज साहब जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, इसी तरह इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब जो है उनका अरेस्ट हो गया, इसका जो बाई इलेक्शन आ रहा है उस पर आप क्या समझ रहे हैं, क्या इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, स्पेशली इन व्यू के जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या आप समझते हैं बाई इलेक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, एक जो लोगों के बीच में ऐसे काम करने से खौफ व हरास फैलाया जाता है, ख़ासतौर पर पोलिटिकल लीडरशिप में, क्योंकि अगर एक आदमी को पकड़ा पहले जाता है, उसकी तफ्तीश तहकीक बाद में होती है, और पकड़े जाने के बाद अदालत से वो बंदा बेगुनाह हो जाता है, तो उस गरीब आदमी की तो पगड़ी उछाल दी जाती है और उसको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, तजलील होती है, जिल्लत होती है, लोगों की नज़रों में गिर जाता है, अपनी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। वो एक तकलीफ़देह अमल अपनी जगह पर है, और जो कि है जिसकी वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप पूरे पाकिस्तान की जो नैब का रवैया है और जो बायस्ड रवैया है, अगर अलीम खान की इंक्वायरी हो, अलीम खान के खिलाफ कुछ होता हुआ नज़र आ रहा हो, जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ होता हुआ नज़र आ रहा हो, उसके साथ साथ इमरान खान की खुद हेलीकॉप्टर यूज़ करने की KPK गवर्नमेंट की इंक्वायरी, उसमें कुछ होता हुआ नज़र आ रहा हो, तो लोग समझेंगे कि एहतसाब कमीशन का अपना जो KPK का था, उसमें जो उनके जनरल साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने कहा था कि परवेज़ खटक साहब मुझे रोकते हैं करप्शन के खिलाफ तहकीकात करने से। अगर इन सारे मामलात में नैब कुछ करता हुआ नज़र आ रहा हो तो ये अरेस्ट जो है तो फिर तुम समझेंगे कि ये इम्पार्शल है, और अगर किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ कुछ होता हुआ नज़र आ रहा, तो फिर हम ये समझेंगे कि ये जो एहतसाब का अमल है ये यकतरफा है।